फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बताऊंगा आप किसी भी टोरेंट फाइल या किसी भी स्ट्रीमिंग होस्ट की वीडियो फाइल को बगैर डाउनलोड किए किस तरह स्ट्रीम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल क्रोम इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो अब हमें ज़रूरत है टोरेंट्स की, तो हम किसी भी टोरेंट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं टोरेंट सर्च इंजन को। तो मैं एक वेबसाइट टाइप करने लगा हूँ जो है torrents2.eu। ये टोरेंट सर्च इंजन है, आप इसे बजाएं, बहुत अच्छा सर्च इंजन है ये। वैसे इस पर मैं टोरेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी ट्रेंडिंग टोरेंट्स चल रहे हैं इस टाइम पूरी वर्ल्ड में वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। तो जैसे ये देखें, ये टीवी शोज़ हैं, ये मूवीज़ का सेक्शन है। अब मैं किसी भी टीवी शो को अगर चलाना चाहता हूँ, फर्ज़ करें ये मेरे पास स्टार ट्रैक का ये season 1 का episode 2 लेटेस्ट आया है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसके किसी भी मिरर लिंक पे चला गया। जैसा कि मैं अक्सर इस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 3037x.to, ये भी एक टोरेंट सर्च इंजन है। इस पे जाने के बाद इसके जो आपके पास ऑप्शन है दो, एक है मैग्नेटिक डाउनलोड और एक है टोरेंट डाउनलोड। टोरेंट डाउनलोड ये है कि अगर आपको फिज़िकल फॉर्म में ये फ़ाइल चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ लिंक चाहिए इस फाइल का तो मैग्नेट डाउनलोड के थ्रू आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने मैग्नेट डाउनलोड का लिंक कॉपी कर लिया, कॉपी लिंक एड्रेस। लिंक कॉपी करने के बाद अब मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू मैं किसी भी टोरेंट फाइल या किसी भी स्ट्रीमिंग होस्ट फाइल को डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या टाइप करना होगा, आपको टाइप करना होगा सोडा प्लेयर। ये टाइप करके आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद जो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा ये sodaplayer.com, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद इसे डाउनलोड कर लें। अब ये काफ़ी वेरिएंट के लिए अवेलेबल है, ये मैक के लिए भी अवेलेबल है। जिनके पास मैक है वो मैक वेरिएंट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ये फाइल जो है ये डाउनलोड होगी 81-82 MB की, आप इसे इंस्टॉल कर लें। क्योंकि ये मेरी पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, तो मैं इसे कैंसिल करने लगा हूँ। कैंसिल करने के बाद इस टैब को मैं ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया सोडा प्लेयर का वो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सोडा प्लेयर का। तो मैं इस प्लेयर को ओपन करने लगा हूँ। ओपन करने के बाद जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ है ये फाइल का, इस फाइल का जो के है हमारा ये एपिसोड season 1 का episode 2 स्टार ट्रैक पिकॉर्ड, इसका मैग्नेटिक डाउनलोड का, मैग्नेट डाउनलोड का मैंने लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये सोडा प्लेयर जैसे ही ओपन हुआ तो इसमें दो ऑप्शंस है, एक है टोरेंट फाइल, जो टोरेंट फाइल आप फिज़िकल डाउनलोड किया आप उसे भी डाउनलोड उसे भी कर सकते हैं। ये देखें, उसने लोकेशन मांग ली किधर आपकी जो है टोरेंट फाइल वो पड़ी हुई है। और जहाँ भी आपने टोरेंट फाइल, अगर टोरेंट फाइल के थ्रू चलाते हैं आप, तो जहाँ भी आपने टोरेंट फाइल डाउनलोड की होगी आप उधर से उसे चला लेंगे। अदरवाइज़ मैंने मैग्नेटिक लिंक को कॉपी किया था, तो मैं क्या करूँगा, ओपन अ URL ए मैग्नेटिक लिंक, ठीक है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो उसने ऑटो फैच कर लिया मेरे कॉपी कॉन्टेंट को। तो जैसे ही करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें, ये आपके सामने इसे उसने बता दिया कि ये आपने स्टार्ट पिकॉर्ड season 1 episode 2 को चलाना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को चला देगा। ये जस्ट आपके पीयर्स और सीड्स के साथ कनेक्शन कर रहा है। ये देखें, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी फाइल है जिसे मैंने ऑनलाइन स्ट्रीम किए बगैर, ऑनलाइन डाउनलोड किए बगैर डायरेक्ट स्ट्रीम कर लिया है। तो इस तरह आप इजीली बिल्कुल किसी भी फाइल को बगैर डाउनलोडिंग के चला सकते हैं। तो ये आप सब देख चुके हैं।